लेसन 11। यस अनन्या, व्हाट्स योर क्वेश्चन? बेटा ओपन योर ईवीएस बुक चैप्टर 11 प्लांट किंगडम। ओपन योर ईवीएस बुक चैप्टर 11 प्लांट किंगडम। यस यस मैम, ओपन कर लिए मैं अभी। प्लांट किंगडम ओके। यस ओके, लेट अस स्टार्ट द लेसन नाउ। माय अंकल लिव्स इन अ विलेज, ही हैज ए बिग फार्म। यहाँ पर एक बॉय है जो अपनी स्टोरी बता रहा है कि इनके जो अंकल हैं वो एक विलेज में रहते हैं, उनके पास क्या है, एक बहुत बड़ी फार्म है। फार्म क्या होती है? फार्म किसे बोलते हैं? फार्म किसको बोलते हैं बेटा, बताइए। मैम जो पेड़ उगाते हैं, जो पेड़ उगाते हैं मैम खेत को बोलते हैं। यस, खेत को बोलते हैं फार्म, जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। यस ओके, सो फार्म किसको बोला जाता है, जहां पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स या प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उनको फार्म कहा जाता है। ठीक है, तो एक बॉय है जिसके जो अंकल है उनकी एक बहुत बड़ी फार्म है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन हिज फार्म। तो उनके फार्म में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स और ट्रीज है वो उन्होंने ग्रो करके रखे हुए हैं। देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स sizes and colors. और उन plants के जो plants होते हैं क्या वो एक type के होते हैं? No ma'am, अलग अलग type के होते हैं। अलग अलग होते हैं, उनके sizes different होते हैं, उनके shapes different होते हैं, उनके colors different होते हैं, उनकी appearance different होती है। तो सारे जो plants और trees होते हैं वो different types के दिखते हैं। Let me tell you the type of plant he has in his farm. अब यहाँ पे देखेंगे कि किस किस टाइप के जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है वो उनके फार्म में है। द बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हस्बी, द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट विद ट्रंक, ट्रीज। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज बोला जाता है। ट्रंक किसको बोला जाता है? बड़े प्लांट्स की जो बेस होती है उसको ट्रंक बोला जाता है। ओके, दे आर टॉल विथ अ थिक ट्रंक, ठीक है, और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत थिक होती है। ओके, ये ट्री है। ओके, इस चीज को क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है, राइट? यस मैम, प्लांट का या एक बिग ट्री का ये जो पोर्शन होता है इसको ट्रंक बोला जाता है। सो ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जो बिग प्लांट्स होते हैं या बिग ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके जो ट्रंक्स होते हैं वो भी बहुत बड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस विथ लीव्स and live for many years. In plants के, in big trees के बहुत सारे stems होते हैं, होते हैं? Yes, सब stems भी होते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से वो और ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं। इनकी जो stems roots होती हैं
वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। किसी किसी की तो रूट्स जो होती है वो हमें टॉप सॉइल पे दिखती भी है, जमीन से ऊपर किसी किसी की बहुत बड़ी बड़ी रूट्स दिखती हैं हमको। ओके यस यस दे है विच लीव्स एंड विच विथ लीव्स एंड लीव फॉर मैनी ईयर, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज्यादा लीव्स होते हैं और बहुत ज्यादा रूट्स की अमाउंट होने की वजह से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा तौर पर एब्जॉर्ब हो पाते हैं, और ये जो बिग ट्रीज होते हैं ये लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं, लंबे समय तक जीते हैं। जैसे कि बैनियन ट्री, बैनियन ट्री देखा है आप लोगों ने? यस मैम बैनियन ट्री देखा होगा आप लोगों ने कि बैनियन ट्री की एज बहुत ज्यादा हो जाती है, वो जितना पुराना होता चला जाता है उसके जो रूट्स हैं उसके जो स्टेम हैं वो अपनी स्टेम अपने को स्टेम से भी ज्यादा जो उनके ब्रांचेस होते हैं वहां से भी फैलते रहते हैं। देखा है आप लोगों ने बैनियन ट्रीज को? वो जितना ज्यादा ओल्ड होता चला जाता है, उसकी जितनी ज्यादा लाइफ होती चली जाती है, उसके जो स्टेम्स हैं वो उनके ट्रंक्स के थ्रू और ज्यादा शो होती है। ओके नेक्स्ट इज मैंगो ट्री। बड़ी बड़ी मैंगो ट्री भी देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है? मैंगो ट्री होते हैं उनकी भी जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। पीपल ट्री भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके भी ब्रांचेस और ट्रंक और स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। देखा है सभी ने पीपल ट्री भी? यस हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, हिबिस्कस फ्लावर देखा है सभी ने? हिबिस्कस यस हमारे स्कूल में है, ठीक है? तो हिबिस्कस का जो प्लांट होता है वो भी जैसे जैसे ग्रो करता चला जाता है, उसकी जो स्टेम होती है उसकी जो वो क्या बोलते हैं उसको जो प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फिर रोज प्लांट भी ऐसे प्लांट होते हैं जो कम स्टेज पर नहीं रहते, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े ग्रो करते चले जाते हैं और उनकी भी स्टेम्स जो होती है वो थिक होती चली जाती है, ठीक है? नेक्स्ट इज जैस्मिन प्लांट। ये भी एक बिग ट्री के रूप में चेंज हो जाते हैं, जैस्मिन के जो प्लांट्स होते हैं। यस एनी क्वेश्चन? ओके सम प्लांट्स आर बशी एंड आर कॉल्ड श्रब्स, ठीक है? अब कुछ प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे एकदम क्या बोलूं, वो झुंड की तरह होते हैं, ठीक है? जैसे एक मैं कोई एग्जांपल बताएंगे कुछ? श्रब्स के एग्जाम्पल बता सकते हैं? किसी एक श्रब प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। यस एनीवन? श्रब प्लांट्स बेटा जो फैले हुए होते हैं, जिनकी जो लीव्स होती है वो एक झुंड की तरह फैली हुई होती है, उनको श्रब प्लांट्स बशी बशी टाइप के होते हैं, ठीक है? झाड़ जिसको बोलते हैं, झाड़ एकदम फैले। सम प्लांट्स आर वेरी वीक एंड नीड सम सपोर्ट टू ग्रो, देयर स्टेम आर वेरी थिन एंड कैन ग्रो इन एनी डायरेक्शन। यस ठीक है। दे आर स्मॉल इन हाइट एंड दे हैव थिन स्टेम्स। जो श्रब्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत पतली पतली सी होती है, ठीक है? क्योंकि ये एक ही जगह फैलते हुए चले जाते हैं, ये ग्रो नहीं करते, बिग प्लांट्स की तरह ग्रो नहीं करते, इसीलिए इन्हें श्रब्स कहा जाता है, ठीक? आगे देखते हैं। हाय राधिका, हैव यू ग्रोन एनी प्लांट इन योर होम? एक जो गर्ल है वो अपनी फ्रेंड राधिका से पूछती है कि क्या तुमने अपने घर में क्या कोई प्लांट कभी ग्रो किया है, कभी उगाया है? तो राधिका का आंसर है, हाय प्रिया, यस आई हैव ग्रो अ तुलसी प्लांट इन माय होम, ठीक है? तुलसी का प्लांट देखा है आप लोगों ने? यस मैम, मेरे घर में है। यस तो तुलसी का प्लांट क्या होता है? एक हर्ब होता है, ठीक है? तुलसी को हर्ब बोला जाता है। और हर्ब कौन से प्लांट्स होते हैं? सम वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स।
छोटे प्लांट जिनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत वीक, मतलब पतली होती है, बहुत वीक होती है, जरा से भी मतलब उसको अगर एफर्ट डाल दें या कहीं टकरा जाए तो वो इजीली ब्रोक हो सकती है, ठीक है, उनको हर्ब्स बोला जाता है। और मेनली जो हर्ब्स होते हैं दे आर यूज फॉर कुकिंग एंड इन मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है। ये जो हर्ब्स होते हैं इनको या तो फिर कुकिंग के लिए या तो फिर मेडिसिन के तौर पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। हर्ब समझ में आया किसको बोलते हैं? यस, तो हमने अभी 3 टाइप के प्लांट्स पढ़े, बताएंगे कौन कौन से। यस, कौन कौन से प्लांट पढ़े अभी हमने? फर्स्ट था बिग प्लांट्स जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनकी जो बोलो आई मां आई मैंने मन किया था बिग आप प्लांट्स, सेकेंड इज क्या बोला फर्स्ट पे म्यूट योर ऑडियो, सेकेंड इज श्रब्स एंड थर्ड वन इज हर्ब्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ा अभी हमने। बिग प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? बिग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? होते फॉर एग्जाम्पल जो बड़े प्लांट्स होते हैं और इनकी जो ट्रंक्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, टॉल, जो टॉल होते हैं और उनकी ट्रंक्स जो होती है बहुत थिक होती है। श्रब्स कौन से प्लांट्स होते हैं? विच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स? जो जैसे सब्स मैम जैसे जैस्मिन हिबिस्कस रोज ठीक ठीक है, जो बशी होते हैं, ठीक, उनको कहा जाता है श्रब्स। ओके, नेक्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? और श्रब्स क्या होते हैं? स्मॉल इन हाइट और उनकी स्टेम जो होती है बहुत थिन होती है। बीन्स यस, हर्ब्स किनको बोलते हैं? मैम मीन कोरिएंडर स्पिनच को गुड मिंट, कोरिएंडर, स्पिनिच, मॉर्निंग मैम हर्ब्स वो प्लांट होते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो कुकिंग और मेडिसिन के पर्पस पे यूज किए जाते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है बहुत थिक और वीक होती है, ठीक है। स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत थिक और वीक होती है, उनको हर्ब्स बोला जाता है। और हर्ब्स मेनली फॉर एग्जाम्पल तुलसी प्लांट, कोरिएंडर, स्पिनेज मेनली कुकिंग और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ये तीनों टाइप के प्लांट अच्छे से समझ में आ गए आप लोगों को? नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर वेरी वीक एंड नीड सम सपोर्ट टू ग्रो। कुछ प्लांट्स इतने वीक होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो इतनी ज्यादा वीक होती है कि उन्हें दूसरे प्लांट्स की हेल्प चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। जैसे कि मनी प्लांट देखा है आप लोगों ने? यस मैम। तो मनी प्लांट की जो स्टेम होती है उसको ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है। उसके सपोर्ट के लिए या तो आप उसको एक रॉड, अदरवाइज एनी स्टिक और एनी पिलर और एनी ट्री, किसी भी चीज का एक यूज करते हैं ताकि वो क्लाइंबर की तरह क्लाइंब होते हुए अपनी जो स्टेम से उनको ग्रो कर सके। तो ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स या क्रीपर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रीपर्स क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जिनको ग्रो होने के लिए दूसरे प्लांट्स की हेल्प चाहिए होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन देखा है आप लोगों ने? ग्रेप्स के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको भी ग्रो होने के लिए जरूरत होती है। फिर आप लोगों ने कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जैसे कि जैसे बिटर गॉर्ड, टोमेटो ठीक है, पम्पकिन, बिटर गॉर्ड, ठीक है, पम्पकिन, कैप्सिकम,
कद्दू, लौकी, करेला, ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, इनके भी प्लांट्स और कुछ फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, ये सब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं जिनको दूसरे प्लांट की जरूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, या किसी सब्सटेंस की जरूरत होती है जिससे वो रोटेट करते हुए या किसी के सपोर्ट के थ्रू ग्रो कर सके। ठीक है, समझ में आया क्लाइंबर्स और क्रीपर्स किसको बोलते हैं? ओके, नाउ सम हेल्थ टिप्स। स्पिनेच हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, स्पिनेच जो होता है फुल्ली एनरिच विथ आयरन। ठीक है, आयरन न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है स्पिनेच, पालक जो होता है, और वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। नीम इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक। नीम जो होता है वो एंटीसेप्टिक पर्पस से एक मेडिसिन के लिए, एक मेडिसिनल वे में मेडिसिनल वे में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लोव। क्लोव किसको बोलते हैं? एनीवन, क्लोव किसको बोलते हैं? मैं लौकी ब्रिंगल लॉन्ग, लॉन्ग देखा है आप लोगों ने? मैंने नहीं देखा है। स्पाइसेस होते हैं बेटा, आपकी मम्मी को बोलिएगा कि आपको लौंग दिखाए। ठीक है, लौंग को इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है। तो क्लोव जो होता है वो हमारे टूथ पेन के लिए, टूथेक के लिए बना होता है। ठीक है, अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आपको लौंग का यूज करना चाहिए। लौंग की वजह से आपके जो टीथ का जो पेन है, जो टूथेक है, वो कम हो जाता है। देखा है कैसे होता है, एक छोटा सा स्टेम निकला होता है, छोटी सी फ्लावर निकली होती है, उस पे एक राउंडेड फ्रूट टाइप लगा होता है। ठीक है, वो क्लोव होता है। जिन्होंने नहीं देखा है, देखो यस, ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। टेल योर मदर्स टू शो यू हाउ क्लोव लुक्स। ओके, अपनी मदर को बोलिएगा कि आपको दिखाएं क्लोव कैसा होता है, ऑन लॉन्ग कैसा होता है। ठीक है, यस। तो बताइए विच हर्ब आर यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कौन सा हर्ब यूज किया जाता है? यस, और नेम इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, इतने टाइप के ट्रीज हमें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। सभी देखते हैं ना, बिग प्लांट्स सभी को देखने के लिए मिलता है अपने आसपास। देखिएगा, आपको बिग बिग प्लांट्स दिखेंगे। फिर श्रब्स भी देखने को मिलते हैं, जो झाड़ियां होती है, बशेज होते हैं, वो श्रब्स होते हैं। हर्ब्स भी आपको अपने घर पे देखने को मिल जाएगा, नीम प्लांट होते हैं, उसके बाद जो तुलसी प्लांट्स होते हैं वो सब हर्ब्स में आते हैं, कोरिएंडर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये सब हर्ब्स में आते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। मनी प्लांट वगैरह या जो क्लाइंब करने वाले छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, या फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्लांट होते हैं, ये भी आप अपने घर पे या अपने आसपास आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर टाइप के प्लांट्स सभी को समझ में आया अच्छे से? ये आपका होमवर्क भी है। मंडे को मैं फिर आपसे पूछूंगी कि ये बिग प्लांट्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, और क्लाइंबर्स क्रीपर्स क्या होते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल लर्न करके आइएगा। करना नहीं है बेटा, बुक से लर्न करिएगा और इनके एग्जांपल्स भी लर्न करिएगा कि किन प्लांट को बिग प्लांट्स बोला जाता है, कौन से प्लांट्स को श्रब्स बोला जाता है, कौन से प्लांट्स हर्ब्स बोले जाते हैं, और कौन से प्लांट्स क्लाइंबर्स या क्रीपर्स बोले जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस मैम, इसके बाद कोई क्लास चलेगी? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट बेटा, कि आपकी नेक्स्ट क्लास क्या होगी। आपकी मीटिंग्स में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके पास टाइम टेबल नहीं है मीटिंग का? नो मैम, मैं कल जाऊंगा। अनन्या, व्हाट व्हाट अनन्या? ओके, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। अब प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? ठीक है, बताइए। एनीवन नो अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट? सेपलिंग, फिर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन। ठीक है,
पहले जो एक प्लांट होता है वो एक सीड के फॉर्म में होता है, एक बीज के फॉर्म में होता है छोटे से, उसके बाद एक किस फॉर्म में आता है? प्लांट, सैपलिंग। प्लांट सैपलिंग के फॉर्म में, सैपलिंग किसको बोलते हैं? मैम जो छोटा प्लांट होता है, जो सीड से बोला जाता है। यस, जो सीड से छोटी सी बर्ड निकलती है उसको सैपलिंग बोला जाता है, ठीक है? एक छोटे सी मतलब वो क्या बोलेंगे, छोटी छोटी बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स किसको बोलते हैं? छोटे जो लीव्स के फॉर्म होते हैं उनको सैपलिंग बोला जाता है, जो सीड के साथ निकलते हैं, ठीक है? उसके बाद जो सैपलिंग है ग्रो होते होते किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्मॉल प्लांट। स्मॉल स्मॉल प्लांट, यस, स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे ग्रो करते हुए वो स्मॉल प्लांट क्या बन जाता है? बिग प्लांट, बिग प्लांट या ट्री बन जाता है। तो ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, ठीक है? यस, समझ में आया सभी को? ठीक है, पहले एक सीड, पहले एक सीड के फॉर्म में रहता है, देन एक सैपलिंग के फॉर्म में आता है, उसके बाद एक स्मॉल प्लांट बनता है और एक ट्री बनता है। तो इसी तरह एक ट्री की लाइफ साइकिल चलती है। उसके बाद उस ट्री में फिर से प्लांट्स ग्रो करते, फ्रूट्स ग्रो करते हैं। वो फ्रूट्स जब सड़ के जमीन पर नीचे गिर जाते हैं तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो सॉइल में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं और फिर से वो सीड से एक न्यू प्लांट में बदल जाता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा एक प्लांट ग्रो करता है तो उसके आसपास उसके छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप आ जाते हैं, देखा है आप लोगों ने? यस यस, उसके उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं, उस प्लांट में लगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में भी सीड्स होते हैं, ठीक है? जब वो सीड्स उसके आसपास गिर जाते हैं सूखने के बाद, या फिर किसी प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है, फ्रूट सड़ के जब नीचे गिर जाता है तो वो सॉइल में सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर के जो सीड्स है वो सॉइल में एब्सॉर्ब होके फिर एक न्यू प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है? तो ये होती है एक लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। अब प्लांट्स हवा में ऐसे ही हवा खाकर तो ग्रो नहीं करते, उनको भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो होने के लिए, पता है कि नहीं आप सभी को? यस, मेनली यस, एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल की जरूरत होती है। बिना एयर के, बिना सॉइल के पहले तो कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। सॉइल की जरूरत उसे होती ही है, नेसेसरी है। फिर उसको एयर की भी जरूरत होती है, वाटर, बिना वाटर के प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है? फिर सनलाइट की जरूरत होती है, क्योंकि वो उससे क्या प्रोवाइड करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट के थ्रू, ठीक है? इसीलिए एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल, दीज आर द फोर एसेंशियल थिंग्स नीडेड अ प्लांट टू ग्रो। ओके, plants also need food to grow, they need air, water, sunlight and soil, ठीक है? तो जो प्लांट होते हैं उनको भी जिस तरह से हमको ग्रो होने के लिए एक फूड की जरूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए फूड की जरूरत होती है। और अपना फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर का यूज करके और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके, इन सारी चीजों के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अपने जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं और इसी तरह से प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है? समझ आया सभी को? यस मैम। यस, सम प्लांट्स आर ग्रोन बिकॉज देयर लीव्स आर यूजफुल टू अस। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहती है, ठीक है? Yes. जैसे कि टी हो गया, टी की जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। स्पिनेच की जो लीव्स होती है, पालक, स्पिनेच, ठीक है, उनकी लीव्स का हम यूज करते हैं। कैबेज, पत्ता गोभी, कैबेज, उसको हम एज अ फूड ईट करते हैं, ठीक है? तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, ठीक? ये पॉइंट भी सभी को समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं तक था। नाउ यस मैम।
सर्च द वर्ड्स गिवन बिलो, ये आप लोग खुद करेंगे, वो भी अपनी बुक में पेज नंबर 79 में एक क्लू बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यहाँ पे सर्च करना है और एनसर्कल करते जाना, ओके, कर लेंगे ये वाला वर्क, यस, ये अपनी बुक में कर लेंगे, ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, बेटा ये वाला आपको बोर्ड में कराएंगे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे जब भी आपकी क्लास होगी तो आपको ये वाला बोर्ड पे करा देंगे, ठीक है मैम, ओके, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और आपका होमवर्क ये है कि पहले तो आप लोग प्लांट का जो भी आज पढ़ाया, टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ कर आएंगे, और टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ के आएंगे, और लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट पढ़ के आएंगे, और चैप्टर 9 अवर फेस्टिवल्स के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके आएंगे, सभी के हो गए हैं, चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं सभी के, यस मैम, ओके, चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, यस मैम, यस मैम, कोई है जिसका कोई भी क्वेश्चन ना हुआ हो, सबका हो गया, मैम, ओके, चैप्टर 9 के मैम, यस, ये नंबर 79 का सीड वाला सर्च करवा दीजिए, पेज नंबर 79 का सर्च बॉक्स नहीं मिल रहा है आपको, मैम मैं सीड वाला नहीं मिल रहा है, अच्छा सीड नहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया, बस सीड नहीं मिल रहा है, यस मैम, ये रहा बेटा सीड, मैम तो सारा हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, देखिए तो ये रहा सीड, ये है सीड इस लाइन में, देखिए 1 2 3 4 ये दिखा आपको, यस मैम, एस डबल ए डी सीड मिला, यस मैम, मिल गया, ठीक है फसबीर, और कोई प्रॉब्लम, नो मैम, नो मैम, ओके बेटा, यस, सो चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर आप सभी के हो गए हैं, ऐसा कोई है जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या नहीं हुआ हो, बोलिए, एनी डाउट, नो मैम, चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट, सभी के हो गए हैं, यस मैम, ओके, चैप्टर 10 कोई डाउट, वन बाय वन मैम, 6 7 8 मेरा वो नहीं हो पा रहा है, कैसे लिखना है, 6 7 8 चैप्टर मैम, चैप्टर 9 का 6 7 8 का जो वो है नहीं आ रहा है, 6 7 8 में ये वाला क्वेश्चन क्या करना है इसमें बेटा, मैम इसमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट अवर नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल फ्लैग को इंडिपेंडेंस डे के दिन कहाँ होस्ट करते हैं, कहाँ फहराते हैं, मैम रेड फोर्ट पे, यस, तो रेड फोर्ट इसका आंसर है, रेड फोर्ट इज द प्लेस वेयर प्राइम मिनिस्टर होस्ट अवर नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, रेड फोर्ट आंसर लिख लीजिए इसका, उसके बाद पूछा है डेट्स टू रिमेम्बर, गांधी जयंती कौन से डेट पर आती है, 2 अक्टूबर, यस 2 अक्टूबर लिख लीजिए, 2 अक्टूबर, सेकेंड इज इंडिपेंडेंस डे, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे,
15 अगस्त लिख लीजिए. यस मैम, नेक्स्ट वाले 26 जनवरी. यस नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जयंती का है 2 अक्टूबर, इंडिपेंडेंस डे का है 15 अगस्त, रिपब्लिक डे का है 26 जनवरी. ओके करवा दीजिए जिसमें फोटो बनी है. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम गॉड, नेम द फेस्टिवल ड्यूरिंग विच दे आर वर्शिप. यहाँ पे गॉड की पिक्चर दी गई है, कौन से दिन इनकी पूजा की जाती है. फर्स्ट वन इज लक्ष्मी जी की है, तो कौन से दिन की जाती है, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है. यस दिवाली लिख दीजिए यहाँ पे, दीपावली और दिवाली. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिख दीजिए दीपावली और दिवाली, यहाँ पे लिख दीजिए. ठीक, सेकेंड पिक्चर किसका है, मतलब कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मैम गुरुपूरब. गुरुपूरब, गुरु पर्व या गुरुपूरब लिख सकते हैं. ठीक है, वो लिख लीजिए. नेक्स्ट इज कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मैम दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा. ठीक है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज नेक्स्ट पिक्चर मैम क्रिसमस. क्रिसमस, यस क्रिसमस. ठीक है अनन्या, आप कोई प्रॉब्लम? लास्ट का बता दीजिए, ये वाला. क्रिसमस बेटा, क्रिसमस. ओके मैम, ओके. और कुछ यहाँ पर देखिए, गिवन बिलो आर द डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ये कौन सी प्लेस है जहाँ पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है? व्हाट वी कॉल दिस प्लेस? मैम टेम्पल. टेम्पल, तो यहाँ टेम्पल की स्पेलिंग कंप्लीट कर लीजिए, TEMPLE. ओके, ओके. सेकंड पिक्चर क्या है? गुरुद्वारा. गुरुद्वारा, GURUDWARA. गुरुद्वारा. Yes. अब क्या डाउट है बताइए. यस अनन्या, एनी मोर डाउट्स? नो मैम. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने कर लिया है. ठीक, पेज नंबर 67 पे आ जाइए, उसके आंसर्स बताएंगे. नेम द एनिमल दैट आर यूज टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कौन कौन से एनिमल है, फर्स्ट में क्या लिखेंगे? हॉर्स. हॉर्स, ओके. कर लिया है सभी ने? कर लीजिए जिसका नहीं हुआ है. फर्स्ट पिक्चर में लिखेंगे हॉर्स, ये कॉपी में करेंगे आप लोग. चैप्टर, चैप्टर 11 डालिएगा, चैप्टर 10 डालिएगा, और ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे. हॉर्स. सेकंड पिक्चर इज डोंकी. डोंकी, यस डोंकी लिख लीजिए. थर्ड पिक्चर इज कैमल. कैमल, यस कैमल लिख लीजिए. फोर्थ पिक्चर इज एलिफेंट. एलिफेंट, एलिफेंट लिख लेंगे. हॉर्स, डोंकी, कैमल, एलिफेंट. ठीक है, इस क्वेश्चन को पिक्चर नहीं बनाना है, बस ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसके जो आंसर है कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ये लिखेंगे. ओके okay?
यस मैम। ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेम द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर ट्रेवलिंग टू अदर कंट्रीज। इसका आंसर क्या बताया था? एरोप्लेन एंड शिप, दो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए थे, एक एयर और एक वाटर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन, शिप। ओके, नेम द व्हीकल व्हिच इज यूज्ड टू ट्रेवल इन स्पेस। रॉकेट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी कॉपी में कर लेंगे। समझ में आया आप लोगों का होमवर्क क्या क्या है? यस मैम। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू व्हीकल व्हिच हैव मोर देन फोर व्हील्स। बस इतना ही लिखिएगा और इसका आंसर लिख दीजिएगा, ट्रक एंड ट्रेन। समझ में आया? यस मैम। बस इस लेसन में इतने ही क्वेश्चन होंगे। ओके मैम। यस, 73 पेज नंबर पे क्या करना है? 73